हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत ही फास्फोरस और इसके एलोट्रॉप्स को डिटेल्स में देखेंगे। इससे हमेशा छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, साथ ही नीट और जेई के एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग फास्फोरस को जीरो से हीरो लेवल तक शुरू करते हैं। ध्यान आप दीजिएगा, देखिए फास्फोरस जो है यह P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में यह एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। इसकी खोज जो है 1669 में हेनिंग ब्रांड ने किया था, याद रखिएगा। ये जर्मनी के बहुत बड़े मर्चेंट थे और बहुत बड़े फार्मासिस्ट भी थे, और इसको 1777 में लेवोजियर ने प्रूव किया कि यह एक तत्व है। लेवोजियर ने 1777 में यह प्रूफ कर दिया कि फास्फोरस एक तत्व है। दूसरी चीज, यह फास्फोरस जो P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, यह डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक को डिटेल्स में हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं। और आपको यह भी बात बताया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि पेयर्ड हो तो उसको हम डायमैग्नेटिक की श्रेणी में रखते हैं, अनपेयर्ड हो तो उसको पारामैग्नेटिक की श्रेणी में रखते हैं। और इस ट्रिक्स के अपवाद हैं O2, S2, B2 और N2-2। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी यह पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और इसकी व्याख्या हम लोग MOT थ्योरी के आधार पर 11th क्लासेज में कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, यह डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। देखिए फास्फोरस के भी कई अपरूप होते हैं, लेकिन इसमें से तीन फास्फोरस बहुत प्रमुख है। एक है उजला फास्फोरस, इसी को हम लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं, और दूसरा है लाल फास्फोरस, और तीसरा है ब्लैक फास्फोरस। इसके भी दो फॉर्म हो जाते हैं, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, और तीसरा हो जाता है वायलेट फास्फोरस, चौथा हो जाता है स्कारलेट फास्फोरस, जिसको गहरा लाल फास्फोरस कहते हैं, ब्राउन फास्फोरस भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से तीन ही फास्फोरस को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आप कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के अपरूप। तो फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण अपरूप को हम लोग देख लें। इसको कहेंगे हम लोग व्हाइट, या इसी को कहेंगे येलो फास्फोरस। फास्फोरस तीसरा को हम लोग कहेंगे ब्लैक फास्फोरस। इसके भी दो फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। एक को कहते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और एक को कहेंगे बीटा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। चौथा फास्फोरस का फॉर्म होता है, जिसको हम लोग वायलेट फास्फोरस कहते हैं। पांचवा हो जाता है स्कारलेट फास्फोरस, जिसको हम लोग कहते हैं गहरा
लाल फास्फोरस, गहरा लाल फास्फोरस। देखिए ब्राउन फास्फोरस भी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से येलो फास्फोरस जिसको हम लोग व्हाइट फास्फोरस के नाम से जानते हैं, और आपको रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे मोस्ट स्टेबल फास्फोरस होता है हमारा ब्लैक फास्फोरस, और ये हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे रिएक्टिव फास्फोरस जो होता है येलो फास्फोरस होता है, या इसी को व्हाइट फास्फोरस कहा जाता है। इस व्हाइट फास्फोरस को खुली प्रकाश में छोड़ देने पे चूंकि यह पीला हो जाता है, इसलिए इसको येलो फास्फोरस भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल देख रहे हैं, तो आप इसे आप नोट कर लें, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस VOYLET, वायलेट LET, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस जिसको हिंदी में हम लोग गहरा लाल फास्फोरस कहेंगे, ब्राउन फास्फोरस भी होते हैं, लेकिन वे सब आपके सिलेबस में नहीं है। मुख्य फास्फोरस के तीन ही अपरूपों पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, तो आप इन्हें नोट करें, हम येलो फास्फोरस पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग व्हाइट फास्फोरस या इसी को येलो फास्फोरस कहते हैं इसको देखते हैं। देखिए ये शुद्ध अवस्था में बिल्कुल व्हाइट होता है, लेकिन खुले प्रकाश में छोड़ देने पर इसका रंग धीरे 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 पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। कोई पूछे कि व्हाइट को पीला फास्फोरस क्यों कहते हैं, जवाब देना है नट सेल में कि सर इसे खुले प्रकाश में छोड़ देने पे इसका रंग धीरे 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 पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यह फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फास्फोरस, और इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो स्पष्ट है sp3 होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए ध्यान से, यहां फास्फोरस एटम बना दीजिए, यहां फास्फोरस एटम, यहां फास्फोरस एटम, यहां टेट्राहेड्रल बनाना जानते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इस फास्फोरस को भी जोड़ दो और इसको जोड़ दो। देखो फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 3 यूज कर चुका है, तो इस पर लोन पेयर होगा, इस पर लोन पेयर होगा, इस पर लोन पेयर होगा, इस पर लोन पेयर होगा। इसका यह बॉन्ड एंगल याद रखिएगा यह 60 डिग्री का होता है, बहुत कम होता है, यह हाईली स्ट्रेन होता है, इसी को हम लोग एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड एंगल कहेंगे, एंगल स्ट्रेन। इसका यह एंगल बड़ा कम होता है जिसके कारण यह काफी रिएक्टिव होता है। तो इसकी डिटेल चर्चा हम लोग साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन में देखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, एंगल स्ट्रेन कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है। आपको पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन उसकी बॉन्ड एंगल घट के हो रही है 60 डिग्री, ठीक है। यह हाईली स्ट्रेन है, और हाईली स्ट्रेन होने के कारण यह मोर रिएक्टिव हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसका पीपी बॉन्ड लेंथ, फास्फोरस और फास्फोरस का बॉन्ड लेंथ याद रखिएगा, यह 212 पिकोमीटर होता है, 212 पिकोमीटर होता है, याद रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 याद रखना है फास्फोरस का, तो 2 1 3 2 5 ऐसे भी याद कर जाएगा कि इनका जोड़ जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, 212 पिकोमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है भैया, व्हाइट फास्फोरस की, व्हाइट फास्फोरस की। इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करो, ep इक्वल टू होता है bp plus lp, बताओ फास्फोरस का बॉन्ड पेयर 1 2 3, तो यहां बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर फास्फोरस के ऊपर 1 है, तो 4, इसलिए हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगा, sp3। इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो पहला बात इससे स्पष्ट हुआ कि इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या इसका ज्योमेट्री कैसा होगा भैया, तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यह एग्जिस्ट करता है किसके रूप में, P4 के रूप में। दूसरी बात, यह स्ट्रेन एंड रिएक्टिव होता है। तीसरी बात इसके संरचना से संबंधित, प्रत्येक फास्फोरस के अणु में ये एक P4 जो दिखाई दे रहा है, इसमें
प्रत्येक फास्फोरस तीन अन्य फास्फोरस से इसके अणु में प्रत्येक पी तीन अन्य फास्फोरस के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कोई आपसे पूछे कि फास्फोरस 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 के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का बनता है। इसमें कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड कितने बनते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड, पांच सिंगल बॉन्ड, छह सिंगल बॉन्ड। तो इसमें फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड कितने बनते हैं, छह पी पी सिंगल बॉन्ड बनते हैं, छह पी पी सिंगल बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो पहला बात याद रखिएगा कि व्हाइट फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। पीपी का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, फास्फोरस और फास्फोरस की बंधन लंबाई कितनी होती है, 212 पिकोमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 2.12 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। यह हाईली स्ट्रेन होता है और जिसके कारण यह बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इसके अणु में प्रत्येक फास्फोरस एटम तीन अन्य, देखो एक दो तीन, तीन अन्य फास्फोरस एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। और इसमें कितने फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 6 PP सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6, बात क्लियर है। तो आप इसे नोट करें, व्हाइट फास्फोरस को बनाया कैसे जाता है, इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका डिस्कस कर रहा हूं। तो व्हाइट फास्फोरस को हम लोग कैसे बना लेते हैं, आप इसे देखिए। देखिए व्हाइट फास्फोरस को हम लोग प्राप्त करने के लिए इसके खनिज जो होते हैं फॉस्फेराइट, जिसको जिसमें फॉस्फेराइट रॉक जो होते हैं जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, या बोन एस जिसमें से आपको पहले भी बताया जा चुके हैं कि इसमें 58% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो इससे ही हम लोग फॉस्फोरस की प्राप्ति कर लेते हैं। अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट से या फॉस्फेट रॉक को हम लोग क्या करते हैं, सिलिका और कोक के साथ, बालू और कोक के साथ मिला करके हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करते हैं। जब ही हम लोग गर्म करते हैं तो फास्फोरस का वाष्प प्रोड्यूस होता है, वाष्प प्राप्त होता है, जिसको संघनित किया जाता है, जिसको संघनित करने पे व्हाइट फास्फोरस में प्राप्त होता है। तो आप रिएक्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं, बोन एस में मुख्यतः क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेराइट, फॉस्फेराइट जो होता है एक प्रकार का फॉस्फेट रॉक है, तो इसका एक खनिज है, हम लिख देते हैं कैल्शियम फॉस्फेट या बोन एस है। कोई पूछे क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, या इसी को हम लिख देते हैं बोन एस है, बोन एस। इसमें लगभग 58% हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसको किसके साथ मिश्रित करना है, सिलिका और कोक के साथ। तो देखिए दो स्टेप में मैं रिजेक्शन को लिख रहा हूं, यह SiO2 जिसको सिलिका कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, सिलिका कहते हैं। सिलिका के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में अप्रोक्स 1773 केल्विन पर इसे गर्म किया जाता है। जब भी गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट एक स्लैग है, और हमें प्राप्त होता है P4O10 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, या इसका नाम लिख सकते हो टेटरा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड। जब P2O5 ही डाइमेराइज होता है तो P4O10 का निर्माण होता है, P4O10 का निर्माण होता है। इस समीकरण को आप बैलेंस कर दीजिए, कैल्शियम 3 कर दीजिए, यहाँ 3 × 2 = 6 कैल्शियम 6 कर दीजिए, यहाँ सिलिकॉन 6 हो रहा है, यहाँ सिलिकॉन 6 कर दीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि फॉस्फोरस हुआ हमारा 4, तो फॉस्फोरस है 4, ऑक्सीजन हो रहा है 6 12 12, और यहां देखिए 12 हो रहा है, और यहां 4 × 8 8 × 16 16, और यहां हो रहा है 12 16 12,
ठीक है। और इधर दिखाई दे रहा है हमारा 3 × 6 = 18 दिखाई दे रहा है, और यहां 10 दिखाई दे रहा है, तो 8 और यहां देखिए तो 28 हो गया, और यहां देखिए 8 और यहां 28 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम की संख्या हमारी इक्वल है, तो रासायनिक समीकरण को मैंने संतुलित कर दिया। या कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त हुआ और P4O10 हुआ। अब देखिए यह P4O10 P4O10 को हम लोग कोक के साथ, यह क्या है, कोक के साथ उसी इलेक्ट्रिक फर्नेस में सेम टेम्परेचर पर इसे भी हम लोग गर्म करते हैं। अब देखिए कौन सा रिएक्शन होता है, तो यह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया, 10CO, देखो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया, और हमारा यहाँ क्या बचा, P4, यहाँ हमारा फॉस्फोरस प्राप्त हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप फॉस्फेट रॉक से या आप बोन एस से आप चाहें तो व्हाइट फॉस्फोरस की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या करना है कि फॉस्फेट रॉक को या बोन एस को सिलिका और कोक के साथ मिश्रित करके इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम लोग हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जिससे हमारा फास्फोरस का वाष्प बनता है, इसको संघनित करने पे, इसे ठंडा करने पे हमारा व्हाइट फास्फोरस प्राप्त होता है। आप इसे नोट करें, इसके प्रॉपर्टीज को हम बता रहे हैं। तो आइए व्हाइट फास्फोरस के कुछ हम लोग प्रॉपर्टी को देखें, जो मुख्य प्रॉपर्टी होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न कोई आपसे नहीं छूटे। पहला बात याद रखिएगा कि यह व्हाइट फास्फोरस जो होता है मोम के तरह ठोस पारदर्शी मुलायम पदार्थ होता है। पहला याद रखना है कि यह वैक्सी सॉलिड होता है और यह मुलायम होता है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं या इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन लाल फास्फोरस को चाकू से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। इसमें लहसुन जैसी गंध पाई जाती है, लहसुन गार्लिक के तरह इसमें स्मेल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे आप उसको रिसिप्रोकल कर दीजिए, उलट दीजिए, तो लाल फास्फोरस में कोई गंध नहीं पाया जाता, तो आप आसानी से अंतर भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है 317 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 5353 केल्विन होता है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम डेंस या आप डेंसिटी कह सकते हो, हिंदी में इसको विशिष्ट गुरुत्व कह सकते हो, 1.84 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, अर्थात ये इसकी डेंसिटी सभी फास्फोरसों में कम होता है, और सबसे हाई डेंसिटी वाला फास्फोरस होता है काला, तो उजला का डेंसिटी कम, लाल का डेंसिटी उससे अधिक, और काला का डेंसिटी सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तो कभी डेंसिटी का क्रम भी पूछ देता है, रिएक्टिविटी का क्रम पूछे तो व्हाइट फास्फोरस, देन लाल फास्फोरस, देन होता है ब्लैक फास्फोरस। तो इसका डेंसिटी याद रखिएगा 1.84 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। चौथा इसकी प्रॉपर्टी है कि यह जल में अघुलनशील होता है, यह महत्वपूर्ण, जल में यह घुलता नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन ईथर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह घुलनशील होता है। पांचवा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि यह जहरीले स्वभाव का होता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग रैट पॉइजन चूहे मारने की जहर, चूहा मारने वाला जहर बनाने में किया जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस जहरीला होता है, जबकि रेड एंड ब्लैक फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता है। चूहा मारने के लिए हम लोग व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, इसमें रैट किलिंग करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा चूहे मारने की जहर बनाने में जिंक फॉस्फाइड याद रखेगा, जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 जिंक फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसमें भी इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, यह भी रैट पॉइजन के रूप में यूज होता है, याद रखेगा, रैट पॉइजन के रूप में इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जिंक फॉस्फाइड से भी चूहा को मारा जा सकता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से भी चूहा को मारा जा सकता है, तो इसका भी प्रयोग चूहे मारने के लिए हम लोग करते हैं, ये बात याद रखिएगा। कई बार जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। जो व्यक्ति फास्फोरस के औद्योगिक संस्थान जहां फास्फोरस से संबंधित कार्य होता है, या फास्फोरस उद्योग में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनके जबड़ों की अस्थि, ये जबड़ों की हड्डी जो होती है, वह जल्दी से क्षय कर जाता है, टूट जाता है, और उसे हो जाएगा, और उसे एकदम बिल्कुल यह टूट जाएगा, ठीक है।
दांत वाला नीचे वाली बोन्स जो होते हैं जल्दी से क्षय कर जाते हैं, जल्दी से दांत गिर जाएगा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डीके ऑफ जॉ बोन्स, हिंदी में कहते हैं जबड़ों के अस्थि, जबड़ों के हड्डी का क्षय नामक रोग हो जाता है इस फास्फोरस के कारण, जिसको जिसे फॉसी जॉ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा उस जिसे हम लोग फॉसी जॉ कहते हैं। तो जो व्यक्ति फास्फोरस के औद्योगिक संस्थान में कार्य करते हैं उनके जबड़ों के अस्थि क्षय नामक रोग हो जाता है और उसी को हम लोग फॉसी जॉ के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि फास्फोरस के प्रभाव से जो जबड़ों के हड्डी का क्षय होता है उसे किस नाम से उस बीमारी को जानते हैं, फॉसी जॉ, PHOSSY फॉसी जॉ कहा जाता है। यह कई बार जनरल कंपटीशन में पूछा गया है, रेलवे SSC आदि UPSC BPSC के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। छठवां प्रॉपर्टी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, देखिए इसका ज्वलन ताप क्या है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर देता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं, और जिसका ज्वलन ताप जितना ही कम होगा वह पदार्थ उतना ही जल्दी जलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्वलन ताप घटता है तो समझो कि वह जल्दी से उसमें दहन की क्रिया संपादित होगी, वह जल्दी से जलेगा। तो इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, इसको कैलविन में 303 कैलविन, इसका ज्वलन ताप कम होता है और एंगल स्ट्रेन जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं कम होता है, जिसके कारण यह स्वतः जलने लगता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस स्वतः जलने लगता है, जैसे हवा में इसको निकालिएगा कुछ देर के बाद यह स्वतः जलने लगता है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है और यह जलता है वायु की उपस्थिति में तो P4O10 का व्हाइट फ्यूम देता है। आप इसको रिएक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यही फास्फोरस है P4 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो देगा P4O10, P4O10 का व्हाइट डेंस फ्यूम देता है, व्हाइट डेंस फ्यूम, इसका उजला गहरा धूम प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो इसको बैलेंस कर दिया जाए, यहां ऑक्सीजन 10 है, 5 × 10 कर देते हैं, तो फास्फोरस का जब ऑक्सीडेशन होता है या वायु की उपस्थिति जलता है तो P4O10 प्राप्त होता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फॉस्फोरिसेंस किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में स्फुरदीप्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए वायु के उपस्थिति में जो भी इसको व्हाइट फास्फोरस को हम लोग हवा में लाएंगे, इसमें मंद दहन की क्रिया शुरू हो जाती है, धीरे धीरे जलने की क्रिया शुरू हो जाती है, मंद दहन की क्रिया होती है और जिसके कारण यह ग्लो करने लगता है, ग्रीनिश येलो लाइट के साथ ये जलने लगता है। जैसे आप जुगनू को देखे होंगे, जुगनू जलती है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो वायु के उपस्थिति में इसका मंद दहन होता है और अंधेरे में चमकता है, जिस ग्रीनिश ग्लो करता है, हरा पीला लौ के साथ ये जलने लगता है, इसी घटना को फॉस्फोरिसेंस या हिंदी में स्फुरदीप्ति या केमिल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। तो एक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि स्फुरदीप्ति से क्या समझते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि व्हाइट फास्फोरस वायु के उपस्थिति में जलने लगता है या ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, इसी घटना को, इसी गुण को फॉस्फोरिसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। आप जुगनू को देखेंगे जिसको अंग्रेजी में ग्लोवर्म कहते हैं, कई बार ये जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं कि किसके कारण जुगनू हरे रंग ग्रीन ग्लो करती है। देखिएगा लाइट लगता है कि लाइट जला के जा रही है, अपने पीछे वो लाइट फिक्स की है, तो उसमें एक ल्यूसीफेरेन प्रोटीन पाया जाता है, ल्यूसीफेरेन प्रोटीन पाया जाता है और उसी के अंदर एक ल्यूसीफेरेज एंजाइम पाया जाता है, उसके अंदर दो पदार्थ, एक ल्यूसीफेरेन और एक ल्यूसीफेरेज प्रोटीन पाया जाता है। तो यह ल्यूसीफेरेन प्रोटीन जो होता है यह ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सील्यूसीफेरेन बना लेता है, और यह ऑक्सील्यूसीफेरेन जो होता है क्या करता है, ल्यूसीफेरेज लाइट इमिटिंग एक एंजाइम है, इसके संयोग करता है तो यह ग्लो करने लगता है, लगता है कि उसके अंदर लाइट फिट किया गया है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि जुगनू के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो नंबर में दे दे ऑप्शन में, तो ल्यूसीफेरेन एक प्रोटीन है उसके अंदर पाई जाती है और उसी के अंदर एक एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज। आपको पता है कि प्रायः एंजाइम के नाम में एज आता है, ASE, और जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे, जैसे इनवर्टेज, सुक्रेज, जाइमेज, आपको मल्टे
मल्टेज, ये सारी चीजों की हम जानकारी आपको देंगे। तो उसमें ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है और एक होता है ल्यूसीफेरेज प्रोटीन, और ये ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सील्यूसीफेरेज बनाता है, और ऑक्सील्यूसीफेरेज जो होता है ल्यूसीफेरेज से संयोग करके लाइट को उत्सर्जित करता है। तो जुगनू चमकती है वैसे ही यह ग्लो करने लगता है। इस घटना को ही हम लोग फॉस्फोरिसेंस के नाम से जानते हैं, इसे आप नोट करें। एक नोट याद रखिएगा, कई बार ये कंपटीशन में पूछे गए हैं, यह फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस होता है, याद रखिएगा। 1070 केल्विन से उच्च ताप पर यह P2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। ये बाप 1070 केल्विन यह किस में बदल जाता है, P2 मॉलिक्यूल में, याद रखिएगा। और 1070 से निम्न ताप पर यह स्टेबल होता है, याद रखिएगा। तो स्टेबल अप टू 1070 केल्विन, याद रखिएगा। यह जो फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस होता है यह 1070 केल्विन तापमान पर बिल्कुल स्टेबल होता है, उससे हाई टेम्परेचर पर जब इसको ले जाते हैं तो यह P2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है, यह भी बात याद आपको रखना है। अब देखिए इसके हम लोग आठवें प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, रिजेक्शन विथ क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन विथ क्लोरीन। यह क्लोरीन से कैसे रिजेक्शन करता है, क्लोरीन से यह रिजेक्शन करके यह अपना हैलाइड बनाएगा, यह बहुत ही तीव्रता के साथ क्लोरीन से रिजेक्शन करेगा, ध्यान दीजिएगा। यही फास्फोरस है और क्लोरीन से रिजेक्शन करता है, ठीक है। तो यह बनाता है हमारा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और यह फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस और एक्सेस क्लोरीन से रिजेक्शन कर ले, एक्सेस क्लोरीन से रिजेक्शन कर ले तो यह बनाता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं जिसको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं PCl5 से। पहला बात, यह PCl5 से पूछा जाता है कि यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यह गैसियस फॉर्म में PCl5 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, बट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा, PCl4 माइनस एंड PCl6, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, और गैसीय अवस्था में PCl5 के रूप में ही पाया जाता है। इसी प्रकार PBr5 और PI5 जो है यह आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा, यह एग्जिस्ट करता है, यह PBr4 प्लस और Br माइनस, यह एग्जिस्ट करता है PI4 प्लस और I माइनस के रूप में यह एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात आपको बताया गया होगा इससे कि इसकी संरचना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है इसकी संरचना, आपको बताया गया होगा, और बताया गया होगा कि यह एक्सियल बॉन्ड होता है और यह इक्टोरियल बॉन्ड होता है, और यह एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है जिसके कारण इसे गर्म करने पर आसानी से टूट जाता है। तो क्या होता है जब, प्रश्न पूछेगा, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है, तो PCl5 को जब ही हम गर्म करेंगे, PCl5 को गर्म करेंगे तो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्टोरियल है, इक्टोरियल बॉन्ड है, तो एक्सियल बॉन्ड लंबा होने के कारण टूट जाता है, तो प्राप्त होगा PCl3 प्लस Cl2। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और एक और प्रश्न कि किस ऑर्बिटल के संयोग से यह एक्सियल बॉन्ड बनते हैं, तो आपको पता है कि इसमें PZ² और PZ ऑर्बिटल के संयोग से ये एक्सियल बॉन्ड बनते हैं। तो इसकी चर्चा तो हम PCl5 जब बताए होंगे तो वहां किए होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि PCl5 जो बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको गर्म करने पर PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। कोई पूछे कि क्यों, बोलना कि इसमें दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, यह लंबा होता है इक्टोरियल से, इसलिए टूट जाते हैं।
PCl5 या गैसियस स्टेट में PCl5 के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में याद रखिएगा या PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में पाया जाता है जिसके कारण यह विद्युत का चालक भी होता है। आपको इस तमाम चीजों को हम बता चुके होंगे। तो समीकरण को बैलेंस कर दिया जाए, यहाँ फॉस्फोरस 4 है, फॉस्फोरस 4 कर दो, क्लोरीन 12 हुआ, 6 दूनी के 12 कर दो, आप यहाँ को फॉस्फोरस 4 है तो 4 कर दो, और यहाँ क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ 20 हो रहा है, 5 का 20 तो यहाँ 10 दूनी के 20 कर दो, समीकरण संतुलित हो गया। बात आप समझ चुके हैं, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। अब देखिए यह मेटल से रिएक्शन करके अपना मेटल फॉस्फाइड बनाएगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। आठवां रिजेक्शन, नौवां रिजेक्शन फास्फोरस का हम लोग देख लें। रिजेक्शन विथ मेटल, रिजेक्शन विथ मेटल, रिजेक्शन विथ मेटल। देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है तीव्रता के साथ रिजेक्शन करता है और अपना मेटल फॉस्फाइड बनाता है। मेटल फॉस का निर्माण करेगा, मेटल फॉस्फाइड का निर्माण करेगा। आप देख लीजिए यदि सोडियम से रिजेक्शन करेगा बहुत ही तीव्रता के साथ, फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस होना चाहिए, गर्म भी करने की जरूरत नहीं, तीव्रता से रिजेक्शन करके सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा। देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और फॉस्फाइड की वैलेंसी होती है 3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखिए Na3P, यहां बन गया Na3P। आप आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो यदि रेडिकल का नाम, रेडिकल पर उपस्थित चार्ज की जानकारी हो। इसको कहेंगे सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड बना लेता है। इसी प्रकार यह मैग्नीशियम से रिजेक्शन करें, मैग्नीशियम से रिजेक्शन करें तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड बना लेगा, Mg3B2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड बना सकता है। इसी प्रकार यह जिंक से रिजेक्शन करेगा तो अपना जिंक फॉस्फाइड बना लेगा, इस रिजेक्शन को आपको लिखना है। इसी प्रकार एल्युमिनियम से रिजेक्शन करें, एल्युमिनियम फॉस्फाइड बना लेगा, कैल्शियम से रिजेक्शन करें, कैल्शियम फॉस्फाइड बना लेगा, इस रिजेक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन को हम संतुलित कर देते हैं। यहाँ फॉस्फोरस 4 है, यहाँ 4 फॉस्फोरस कर दो, सोडियम हो रहा है 12 तो यहाँ सोडियम 12 कर दो, यहाँ फॉस्फोरस 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉस्फोरस 4 3 दुनी की 6 मैग्नेशियम 6। तो देख रहे हैं कि धातु जो है व्हाइट फॉस्फोरस से तीव्रता के साथ रिजेक्शन करके अपना फॉस्फाइड बनाते हैं। कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक करेगा तो जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम करेगा तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड बना सकता है। तो धातु अपने फॉस्फाइड का निर्माण करेंगे। सल्फर से रिजेक्शन करेगा तो अपने सल्फाइड का निर्माण करेंगे। इसको आगे बता रहे हैं, एक नोट में बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। देखिए लाल फॉस्फोरस जो होता है लेस रिएक्टिव होने के कारण यह धातु से, सल्फर से, हैलोजन एटम से गर्म करने पर अभिक्रिया को देते हैं, याद रखिएगा, ऐसे वो रिजेक्शन नहीं देगा। तो याद रखिएगा रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होने के कारण, होने के कारण मेटल तमा हैलोजन तमा सल्फर से गर्म करने पर अभिक्रिया करते हैं, गर्म करने पर अभिक्रिया करते हैं। लेकिन व्हाइट फास्फोरस को गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। नोट करें इसे, रिजेक्शन विद सल्फर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे कई बार एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सल्फर से अभिक्रिया। देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है वह सल्फर से अभिक्रिया करके अपने विभिन्न प्रकार के सल्फाइड का निर्माण करते हैं। यह P2S3 का निर्माण करेगा, डाई फास्फोरस ट्राई सल्फाइड P2S5 नामक सल्फाइड का निर्माण करेगा, P4S3 टाइप सल्फाइड का निर्माण करेगा, और ये जो सल्फाइड होते हैं टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड या मोस्ट स्टेबल सल्फाइड माने जाते हैं, याद रखिएगा P4OS7 P4OS10 टाइप अपने सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसमें P4S3 याद रखिएगा P4S3 मोस्ट स्टेबल होता है, इसको हम कहेंगे टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड। तो आप रिजेक्शन को भी देख सकते हैं कि यदि व्हाइट फॉस्फोरस है
इसको हम सल्फर से रिजेक्शन करा दें। हाँ, रेड फास्फोरस भी रिजेक्शन सल्फर से कर सकता है, लेकिन उसे गर्म करना पड़ेगा आपको बताएं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होगा। इस रिजेक्शन को हम सल्फर के जगह पर एसिड यूज कर देते हैं, तो यह बनाएगा P4S3। इसका आप नाम भी लिख सकते हैं टेट्रा फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड। याद रखिएगा, समीकरण को संतुलित कर देते हैं। यहां हमारा सल्फर 8 दिखाई दे रहा है, तो इसको संतुलित कर देते हैं। 8 3 का 24 हो गया और फास्फोरस हो गया 8 4 का 32 हो गया। तो संतुलित हमारा कर देते हैं, यह हमारा हो गया सल्फर 8 3 का 24, तो 8 3 का 24, और ये हो गया हमारा 8 4 का 32, तो यहां भी 8 4 का 32 कर दो। यह हमारा टेट्राफॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड नामक स्टेबल सल्फाइड को मैंने बना के दिखा दिया आपको। एक चीज याद रखिएगा, यह मैच स्टिक जो होता है बेटा, यह मैच स्टिक, ध्यान दीजिए, माचिस की जो तिल्ली कहते हैं, या माचिस की तिल्ली, देखिए इसमें आप देखे होंगे बचपन से सुनते हैं कि यह बारूद थोड़ा सा इस पर लगाया है, और माचिस के साइड में जो सैंड पेपर बनाया जाता है, इस पर जो भी हम रगड़ते हैं आग पकड़ लेता है, देख रहे हैं, आग पकड़ लेता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये बारूद जो होता है इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है जिससे रगड़ने पर आग पकड़ लेता है। और दूसरी चीज, ये सर लकड़ी किस चीज का होता है, जानकारी के लिए देखिए, ये जो वुड जो होता है जिससे हम लोग माचिस बनाते हैं, वे पाइन वुड्स होते हैं या स्पेन वुड्स के लकड़ी से या माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। और जो ये बारूद होता है, जो इस पे काले रंग का बारूद आप देखे होंगे या किसी कंपनी में लाल रंग का बारूद लगाया होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें मुख्य रूप से जो केमिकल होता है वो याद रखिएगा, वह यही होता है P4S3 या टेट्राफॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड होता है। और इसमें पोटेशियम क्लोरेट को इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है, और इसको मिला करके इसमें जिलेटिन जिसको ग्लू कहते हैं, गोंद और फिलर मिला करके इसको ये बाइंडर का काम करता है, मतलब दोनों केमिकल को मिला के उस लकड़ी पे लगा दिया जाए, उसको सूखने के बाद वह टाइट हो जाता है, वह गम का काम करता है। जो ही इस दोनों केमिकल को हम लोग सैंड पेपर पर रगड़ते हैं, तो इसके घर्षण के कारण, हमारे घर्षण के कारण बहुत मात्रा में हीट और ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, जिसके कारण माचिस के तिल्ली में आग पकड़ लेता है। तो कई बार एक कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं कि मैच स्टिक में कौन कौन से रसायन होते हैं, तो मैच स्टिक में फास्फोरस के सल्फाइड P4S3 मौजूद होता है, और उसके साथ पोटेशियम क्लोरेट मिला होता है, और उसमें फिलर और जिलेटिन जिसको गोंद कहते हैं मिला दिया जाता है एज ए बाइंडर, या दोनों को बांध के रखता है, दोनों को माचिस के तिल्ली से गिरने नहीं देता है, याद रखिएगा। और यह मैच स्टिक किस वुड से बना होता है ये भी याद रखिएगा, ये किस वुड से बना होता है, तो इसके लिए पाइन का वुड जनरली इस्तेमाल करते हैं, बहुत हल्का होता है, पाइन या स्पेन वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो माचिस के तिल्ली बनाने में हम लोग P4S3 और पोटेशियम क्लोराइड दो केमिकल का यूज हम लोग करते हैं, और इसमें गोंद फिलर आदि को मिला दिया जाता है बाइंडर के तौर पे, ताकि वह बारूद उस लकड़ी से गिरे नहीं, लकड़ी से छोड़े नहीं, ताकि हम आग जलाते समय, हमारी घर्षण की क्रिया कराते समय, जो घर्षण की क्रिया कराते हैं सैंड पेपर पीछे लगाया होता है, ताकि वह बारूद गिरे नहीं, ताकि आसानी से आग पकड़ ले। हाँ, एक चीज और, ये जो हमारा फास्फोरस का जो सल्फाइड हम बना रहे हैं, जनरली रेड फास्फोरस के उपयोग करके ही सल्फाइड को बनाया जाता है, और इसीलिए आपके पुस्तकों में लिखा हुआ लोअर क्लासेज मैट्रिक आदि में कि लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस से भी सल्फाइड को बना सकते हैं, लेकिन जनरली रेड फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है इस सल्फाइड को बनाने में। तो ये बात को याद रखना है, ताकि आप आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही से उत्तर दे सकें। नोट करें, तो हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसी अभिक्रिया के द्वारा हम केमिकली रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, रिएक्शन विद अल्कली सॉल्यूशन माने क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया, या रिएक्शन विद NaOH सॉल्यूशन कास्टिक सोडा के विलयन के साथ अभिक्रिया। देखिए, व्हाइट फास्फोरस को जब हम लोग
कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। फॉस्फीन गैस में रोटेन फिश की तरह गंध पाई जाती है, आपको पहले बताया जा चुका होगा। और सड़े हुए अंडा से किस चीज का गैस निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध पाया जाता है। कई बार पूछा गया कि सड़े हुए अंडा से कौन सा गैस रिलीज होता है, H2S, और सड़ी हुई मछली में फॉस्फीन गैस का गंध पाया जाता है, याद रखिएगा। तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है और लैब में फॉस्फीन गैस ऐसे ही बनाया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस को रिजेक्शन हम लोग कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है और फ्लास्क में लेके इसे गर्म करते हैं निष्क्रिय वातावरण में, तो हमारा फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि निष्क्रिय वातावरण क्यों यूज करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग CO2 या कोल गैस को हम लोग फ्लास्क से प्रवाहित कर देते हैं जो हवा को डिस्प्लेस कर देता है, हवा को हटा देता है। इसके हटाने का फायदा क्या है, देखिए यह फॉस्फीन जो होता है, याद रखिएगा, यह अज्वलनशील होता है लेकिन इसमें अशुद्धि के रूप में डाइफॉस्फीन जिसको P2H4 कहते हैं वह रहता है जो ज्वलनशील होता है। रिजेक्शन के दौरान इसमें आग न लग जाए इसलिए निष्क्रिय वातावरण में ही अभिक्रिया को कराई जाती है, यह एक असमानुपातन अभिक्रिया होता है। आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ही बताया गया होगा कि एक ही पदार्थ का जब ऑक्सीडेशन हो और उसी पदार्थ का रिएक्शन में रिडक्शन हो तो उसको हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रेड फॉस्फोरस जो होता है जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ फॉस्फोरस ले लेते हैं, यह व्हाइट फॉस्फोरस है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इसको डिटेल देखे थे, इसका आयनिक इक्वेशन भी बैलेंस किए हुए थे। और यहाँ हम ले लेते हैं कास्टिक सोडा का जलीय विलयन, NaOH लेते हैं प्लस H2O ले लेते हैं और यहाँ हम लोग इसको गर्म करते हैं, याद रखिएगा, CO2 या कोल गैस, कोल गैस के उपस्थिति में फ्लास्क में हम लोग गर्म करते हैं। यह बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, या इसी को सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं, और हमारा फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है, फॉस्फीन का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फाइड या सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ 3 मोल ले लो, यहाँ 3 मोल ले लो, कास्टिक सोडा यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ 3 कर दो, और हमारा हाइड्रोजन हो रहा है 6 और 3 9, तो हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ देखो 3 × 6 = 9, फास्फोरस 4, फास्फोरस हमारा देखो 3 × 1 = 4, ऑक्सीजन देखो 3 × 3 = 6, यहाँ 3 × 6, अब क्लियर है, रिजेक्शन संतुलित हो गया है। कोई पूछे कि क्यों कोल गैस या CO2 की उपस्थिति में रिजेक्शन को कराई जाती है, ताकि रिजेक्शन के दौरान फ्लास्क में आग न लगे, क्योंकि फॉस्फीन में अशुद्धि के रूप में डाइफॉस्फीन पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। यहां ध्यान दीजिएगा, यह फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट सुन, और देखिए यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस का ऑक्सीड हाइड्रोजन का कितना होगा आपको पता है, +1, तो 3 एटम + 3 बराबर के इधर भेजेंगे तो -3, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहां देखो यहां -2, 3 × 2 = 4, ऑक्सीजन का -2 होता है -4, -4 में से 2 हाइड्रोजन का निकल गया तो -2, -2 में से 1 सोडियम का निकल गया, -1, -1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है आपको। तो देख रहे हो छोटू कि यहाँ इसी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और देख रहे हो यहाँ इसी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। तो जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो और एक ही पदार्थ का रिडक्शन हो तो इसी अभिक्रिया को हम लोग हिंदी में असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नोट में नीचे एक बात आप लिख दीजिएगा, रेड फॉस्फोरस NaOH के सॉल्यूशन से अभिक्रिया नहीं करता। ये तमाम प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो तो आप आसानी से रेड फास्फोरस
और व्हाइट फास्फोरस में अंतर लिख सकते हैं, इसे नोट करें, हम आपको रेड फास्फोरस की जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम लोग अब रेड फास्फोरस के बारे में कुछ अध्ययन करें। देखिए रेड फास्फोरस को कैसे बना लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, यही व्हाइट फास्फोरस है, सॉलिड स्टेट में है, व्हाइट लिख देते हैं। इसको यदि हम लोग लंबे समय तक निष्क्रिय वातावरण में573 केल्विन पे गर्म करें, तो यह व्हाइट फास्फोरस जो होता है रेड फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाएगा रेड फास्फोरस में। रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में चेंज किया जा सकता है। यदि रेड फास्फोरस को भी हम लोग गर्म करें इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो इसके वाष्प प्राप्त होगा और इस वाष्प को जल के उपस्थिति में संघनित किया जाए तो व्हाइट फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से हम बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में यह बदल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आए ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। देखिए यह भी रेड फास्फोरस भी P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें जो टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं फास्फोरस के, वह कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीमेरिक फॉर्म का निर्माण करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, एक बात लिख लीजिएगा कि रेड फास्फोरस में टेट्राहेड्रल यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पॉलीमेरिक P4 का जाल दिखाई देगा, P4 की श्रृंखला दिखाई देगा, ठीक है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म का निर्माण करते हैं इसमें भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। फास्फोरस कैसे p4 यूनिट जुड़े होते हैं उसे देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यही टेट्राहेड्रल यूनिट है, ध्यान देते चलिएगा, ऐसे ही टेट्राहेड्रल यूनिट या p4 के फॉर्म में जुड़े दिखाई देते हैं। अब देखिए यहां आप लोन पेयर हर फास्फोरस पे एक एक रहेगा, 1 2 3, देखिए यहां फास्फोरस अपने 3 संजोजी इलेक्ट्रॉन का यूज किया हर जगह, तो भैया दो दो इलेक्ट्रॉन तो इस पे लोन पेयर के तौर पे रहेंगे ही, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, नोट करें। तो आइए हम लोग रेड फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को देख लें। देखिए पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाने के कारण यह व्हाइट फास्फोरस के तुलना में कम क्रियाशील होता है, तो लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। इनके रिएक्टिविटी का क्रम भी याद रखिएगा, व्हाइट फास्फोरस जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद रेड फास्फोरस, उसके बाद ब्लैक फास्फोरस, यह मोस्ट स्टेबल फास्फोरस होता है, ठीक है, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। कभी किसी पुस्तक में दिया है कि ब्राउन फास्फोरस जो होता है व्हाइट फास्फोरस से भी अधिक क्रियाशील होता है, तो लेकिन मुख्य फास्फोरस 3 ही, इसी पे आपको फोकस करना है। देखिए यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसमें आयरन ग्लेलस्टर पाया जाता है, जबकि व्हाइट फास्फोरस कैसा होता था, यह वैक्स के तरह मुलायम होता था, याद रखिए, और यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं पाई जाती है, जबकि व्हाइट फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध पाई जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कोई पूछे क्या कारण है, तो ड्यू टू पॉलीमेरिक फॉर्म पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाने के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। देखिए व्हाइट फास्फोरस जो जल में अघुलनशील होता था और यह कार्बन डाइसल्फाइड
बेंजीन आदि में घुलनशील होता था, याद रखिए। लेकिन यह याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में अघुलनशील होता है, यह जहरीला नहीं होता है और वाइट फास्फोरस जहरीला होता है, उससे चूहा की जहर बनाई जाती है, चूहा मारने की जहर बनाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी सातवां, यह फॉस्फोरिसेंस की घटना को प्रदर्शित नहीं करता है, यह स्वतः इसको यह स्वतः ग्रो नहीं करता है, इसी घटना को हम लोग फॉस्फोरिसेंस कहते हैं। लेकिन वाइट फास्फोरस स्वतः ग्लो करता है, जैसे जुगनू ग्लो करती है, तो फॉस्फोरिसेंस की घटना इसमें नहीं पाई जाती है। इसका ज्वलन ताप उच्च होता है, जिसके कारण इसमें आसानी से आग नहीं पकड़ता है। इसका घनत्व जो होता है वाइट फास्फोरस से अधिक होता है। वाइट फास्फोरस का घनत्व आपको बताया था 1.84 ग्राम पर cm³, जबकि इसका घनत्व होता है 2.16 ग्राम पर cm³। तो इसकी डेंसिटी के भी ऑर्डर याद रखिएगा, वाइट फास्फोरस का डेंसिटी सबसे कम होता है, रेड फास्फोरस की डेंसिटी सबसे इससे अधिक होता है, और ब्लैक फास्फोरस की डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ब्लैक फास्फोरस की डेंसिटी लगभग 2.69 ग्राम पर cm³ होता है, इसको याद रखिएगा। इसका तो अभी बताए हैं 2.16 ग्राम पर cm³, 1.84 ग्राम पर cm³ इसका घनत्व होता है। तो इनके डेंसिटी का भी क्रम आप याद रखिएगा। एक चीज और आपको हम बता दें, फटाफट स्क्रीन शॉट लो, इसे प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आप आसानी से बेटा इसके इसमें अंतर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज, देखिए रेड फास्फोरस जो होता है यह क्लोरीन से रिजेक्शन करेगा, लेकिन हाँ गर्म करेंगे तो यह भी बनाएगा PCl3, और फास्फोरस रेड हम ले लेंगे, इसकी रिजेक्शन करा दीजिएगा एक्सेस क्लोरीन से, इसे गर्म करेंगे तो रिजेक्शन होगा, बनाएगा PCl5, सिमिलर रिजेक्शन देता है वाइट फास्फोरस के तरह से। इसी प्रकार रेड फास्फोरस की रिजेक्शन करा दीजिएगा सल्फर से, इसे गर्म करेंगे तो यह भी बनाएगा P4S3 बनाएगा, लेकिन हाँ गर्म करने पे रिजेक्शन करेंगे तो यह बनाएगा। इसी प्रकार यह रेड फास्फोरस सोडियम धातु से रिजेक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे तो यह अपना फॉस्फाइड बना लेगा, क्या बनाएगा, सोडियम फॉस्फाइड Na3P बना लेगा। मैग्नेशियम से रिजेक्शन करा देंगे तो मैग्नेशियम फॉस्फाइड बना लेगा, लेकिन हाँ गर्म करना पड़ेगा, Mg2 Mg3P2 मैग्नेशियम फॉस्फाइड बना लेगा, ETC कर सकता है। इसी नोट में एक बात पुनः मैं लिख देता हूं कि यह कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया नहीं करता, याद रखिएगा। यदि हम दे दें P4, यहां रेड फास्फोरस ले लें, ध्यान दीजिएगा, और इसको हम कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से रिएक्शन कराएं NaOH को, इसको गर्म भी करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो इसके द्वारा रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, रिएक्शन को संतुलित कर दिया जाए। यहाँ फास्फोरस 4 है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन 12 हो रहा है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है, 5 × 20 10 × 20, यहाँ सल्फर 8 है तो 8 × 3 = 24 कर दो, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 32, यहाँ 8 × 3 = 32 कर दो। इसी का नाम है टेट्रा फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, और कहाँ मैच स्टिक बनाने में इसका काम होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह सोडियम फॉस्फाइट है, यहाँ फास्फोरस 4 है, 4 कर दो, 4 की यहाँ 12 है, 12 सोडियम कर दो, यहाँ फास्फोरस 4 है, यहाँ फास्फोरस 4 कर दो, मैग्नेशियम 6 है, मैग्नेशियम 6 कर दो। तो आप इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। इसे नोट करें, हम लोग ब्लैक फास्फोरस का चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग ब्लैक फास्फोरस को देख लेते हैं। पहला बात याद रखना है ब्लैक फास्फोरस में कि यह सबसे कम क्रियाशील या मोस्ट स्टेबल फास्फोरस का एलिट्रॉप होता है, याद रखिएगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कहें या सबसे कम क्रियाशील फास्फोरस कौन होगा, ब्लैक फास्फोरस।
यह क्रिस्टलाइन ब्लैक सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ब्लैक सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, याद रखिएगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप पढ़ चुके हैं और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। यह ज्वलनता इसका क्या होता है, उच्च होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक इसका ज्वलनता उच्च होता है, लाल फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस के तुलना में, इसलिए इसमें आसानी से आग नहीं पकड़ता है। इसके भी दो रूप होते हैं, ये भी दो फॉर्म में पाया जाता है। एक को कहते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरे को कहते हैं बीटा ब्लैक फास्फोरस। इससे छोटा सा एक कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन केवल यही आज तक पूछा गया है कि सबसे स्टेबल फास्फोरस कौन है, तो ब्लैक फास्फोरस। हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म में कौन फास्फोरस पाया जाता है, तो ब्लैक फास्फोरस। अल्फा और बीटा ब्लैक नहीं दिया था ऑप्शन में, ये भी दे तो आप क्लियर कर सकते हैं, बनाने की विधियां याद रखिएगा। देखिए रेड फास्फोरस को जब हम लोग सील ट्यूब में 803 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वह चेंज कर जाता है हमारा अल्फा ब्लैक फास्फोरस में, अल्फा ब्लैक फास्फोरस में। और अल्फा ब्लैक फास्फोरस याद रखिएगा विद्युत के कुचालक होता है, जबकि बीटा ब्लैक फास्फोरस ग्रेफाइट के तरह विद्युत का चालक होता है। पहला मुख्य अंतर, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह बहुत स्टेबल होता है, उच्च ताप पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उच्च ताप पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, यह सबलाइन हो जाता है, यह सबलाइन हो सकता है। सबलाइन का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, पर नवम से पढ़ते हैं सबलिमेशन, ऊर्ध्वाध पातन किसे कहते हैं, यह सबलाइन हो जाता है। यह आप एक मोनोक्लिनिक या रंबोहेड्रल क्रिस्टल होता है, ठीक है। आपको क्रिस्टल सिस्टम अभी पढ़ाई नहीं, वहां हम इसकी चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट में कि मोनोक्लिनिक क्या है, रंबोहेड्रल क्या है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो यह अपेक और मोनोक्लिनिक रंबोहेड्रल होता है, जबकि यह क्रिस्टल ऑर्थोरम्बिक होता है, यही मुख्य अंतर है, ऑर्थोरम्बिक होता है। और इसका स्ट्रक्चर डिफिनिट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर डिफिनिट नहीं, याद रखिएगा। इसको बनाने की तरीका क्या है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग 473 केल्विन पे उच्च दाब, लगभग 4000 से लेके 12000 एटीएम दाब पर जब इसको गर्म करते हैं तो यह बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ये याद रखिएगा कि यह हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, यह फॉस्फोरस का हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म होता है तथा सबसे अस्थायी एवं इनएक्टिव फॉस्फोरस का रूप होता है। तो सबसे इनएक्टिव फॉस्फोरस का रूप कहा जाए तो बीटा ब्लैक या ब्लैक फॉस्फोरस आप बोल सकते हो, या ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल होता है। ऑर्थोरम्बिक क्या है, मोनोक्लिनिक क्या है, हेक्सागोनल क्या है, रंबोहेड्रल क्या है, इस सबकी चर्चा हम लोग क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियास लैटिस पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। सॉलिड स्टेट में भी हम लोग चल रहे हैं, सॉलिड स्टेट में इसकी संरचना लेयर टाइप होती है, परतदार, जैसे ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल परतदार होती है, वैसे ही इसकी संरचना लेयर टाइप होती है, जिसमें फास्फोरस एटम को वैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसकी संरचना परतदार होती है और ग्रेफाइट के तरह या विद्युत के चालक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 807 केल्विन, डेंसिटी 2.69 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसकी विशिष्ट गुरुत्व कहें या स्पेसिफिक ग्रेविटी का है 2.69 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी संरचना लेयर टाइप कैसे होती है हम बता रहे हैं। तो यहां मिटा रहे हैं बेटा, इसकी संरचना हम बता रहे हैं कि लेयर टाइप कैसे होती है। देखिए हाईली पॉलीमेरिक फॉर्म होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां कैसे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बना देते हैं। यह फास्फोरस है, आप इसको एकदम बेंजीन रिंग के तरह सजा सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग बनता है वैसे आप सजा सकते हैं ऐसे फास्फोरस। देखो पी यहाँ, 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 पी कर सकते हो। ये ऐसे जुड़ा होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ सकता है भी, परतदार होती है। देखो ऐसे समझना होगा, पी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ भी हो सकता है, ध्यान देना, यहाँ पी यहाँ, पी यहाँ, पी ऐसे हो सकता है। तो इस तरह इसकी संरचना होता है और इसके बीच का जो ये कोण होता है या फास्फोरस फास्फोरस के बीच का एंगल ये 99 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। और ये जो पीपी का बॉन्ड लेंथ होता है 218 पिकोमीटर का होता है, तो इसी को कहते हैं। ऐसे ही हमारी परतदार इसकी संरचना होती है, यह किसका संरचना है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, फॉस पी एच ओ, बीटा ब्लैक
फास्फोरस का। फटाफट इसे नोट करें, हम कुछ फास्फोरस की यूजेज बता रहे हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देंगे। तो फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखिए। देखिए व्हाइट फास्फोरस को पढ़ाते समय बताए हैं इसका प्रयोग रैट पॉइजन के रूप में हम लोग करते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि रैट पॉइजन के रूप में किस फास्फोरस का प्रयोग होता है, तो व्हाइट का। देखिए इसका प्रयोग माचिस उद्योग में हम लोग करते हैं, मोस्टली रेड फास्फोरस का। तो आपको बताए थे कि माचिस जो मतलब माचिस का स्टिक बनता है उसमें क्या रहता है आपको P4S3, और पोटेशियम क्लोरेट क्या मिश्रण जो होता है मैच स्टिक पे लगा होता है बाइंडर के साथ, माने गोंद ग्लू जिलेटिन मिला के लगा रहता है, जिसको रगड़ने पे सैंड पेपर पे ये जल उठता है, याद रखिएगा। देखिए कई बार बीपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग लिकोमिया ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं। फास्फोरस जिसकी द्रव्यमान संख्या 32 होता है, या आप इसको फास्फोरस 32 या फास्फोरस 32 जो रेडियो एक्टिव होता है, इसका प्रयोग ब्लड कैंसर या लिकोमिया जिसको कहते हैं कि इलाज में प्रयोग किया जाता है, या तो आप उन 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं वहां भी बताएंगे। देखिए फास्फोरस का प्रयोग फास्फोर ब्रोंज जो LY होता है उसको बनाने में किया जाता है, या कॉपर SN और अल्प मात्रा में फास्फोरस का यह मिश्र धातु होता है, ये तीन ही मिलकर इस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लाइन है कि महत्वपूर्ण कंपाउंड जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका प्रयोग महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड फॉस्टीन PCl5 PCl3 बनाने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग कहां होता है। देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग स्मोक स्क्रीन जिसको हम लोग कहते हैं धूमपट, युद्ध में धूमपट निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड यह तुरंत जल से संपर्क करते हैं तो यह हमारा बनाता है फॉस्फीन, और फॉस्फीन गैस जो होता है यह तुरंत जल उठता है और डेंस फ्यूम देता है P4O10 का, जिसके कारण एक स्मोक स्क्रीन का निर्माण होता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिए इसी कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग स्मोक स्क्रीन बनाने में किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और स्मोक का स्क्रीन बनता किसके कारण है, P4O10 के कारण। और दूसरी बात इसका प्रयोग होम्स सिग्नल, देखिए समुद्र में डेंजर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं होम्स सिग्नल के तौर पे। होम समुद्र में जो डेंजर पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है उसको होम सिग्नल कहा जाता है, ठीक है, होम सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। उसमें होता क्या है, उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही कैल्शियम फॉस्फाइड जल से संयोग करता है तो यह बनाता है फॉस्फीन गैस, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड जो ही जल से संयोग करता है आपको पता है यह एसिटाइलिन या इथाइन बनाता है C2H4, और यह जल उठता है और एसिटिलीन गैस ये जलता है तो रोशनी का निर्माण होता है, फ्लेम के साथ जलने लगता है, जिसका प्रयोग हम लोग सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो होम सिग्नल में प्रयुक्त होने वाला कौन सा रसायन है, कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, इसके साथ इसमें कैल्शियम कार्बाइड मिला होता है, और इसी के संयोग से फॉस्फीन, इसके संयोग से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, जो जल उठते हैं और प्रकाश का फ्लेम के साथ ही जलने लगते हैं। तो डेंजर पॉइंट को सूचित करने के लिए समुद्र में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है CH3P2, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ चुके होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं उसका उत्तर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नोट करें। तो इनका उत्तर आपको देना है कि व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में अंतर बताएं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि फॉस्फोरिसेंस से क्या समझते हैं, इसको जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। व्हाइट फॉस्फोरस को जल में डूबो कर रखा जाता है क्यों, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है इन दोनों को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सुन दिया कि फास्फोरस का सबसे क्रियाशील फॉर्म होता है, तो जवाब दे दीजिएगा मैच स्टिक में उपस्थित होता है, आपको टिक लगाना है। स्मोक स्क्रीन में प्रयोग होता है, आपको जवाब देना है। लिकोमिया के इलाज में किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चार दिया हुआ है, इसमें से आपको चुन लेना है। एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसे नोट करें। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन व्हाइट फास्फोरस के लिए सत्य नहीं है।
तो व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर सबको पता है कि टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ऐसे होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब देखिए सबको पता है स्ट्रक्चर पर गौर फरमाइए, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी है, यही स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। तो कह रहा है कि इसके लिए कौन शक्त नहीं है, सिक्स पीस पी सिंगल बॉन्ड, देखिए इसमें छह फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड होता है, एक दो तीन चार पांच छह, बिल्कुल ये सही बात है। कह रहा है कि फोर पी पी सिंगल बॉन्ड, देखिए फोर पी पी सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, यही बात गलत हो रहा है। फोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एक दो तीन चार, ये भी बात सही है बिल्कुल। पी पी एंगल मतलब इसका एंगल स्ट्रेन होता है, बताया थे 60 डिग्री का, तो बिल्कुल ये भी सही होता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा कि इसमें 4 पीपी सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें 6 पीपी सिंगल बॉन्ड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि फास्फोरस को आप अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक और अंतिम टॉपिक को कवर करेंगे, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड क्या है और इसकी स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे, और इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे, तो उसे डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।